बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर की हैं शुएब साहब ने, आप कम्प्लीटली एक ब्रीफ आपको दी है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो यहाँ पे टीम रॉयल एसोसिएट्स मौजूद है, आप उनसे भी रابطہ कर सकते हैं, रابطہ नंबर भी है आपके पास। और वैसे भी आप तो लोकेशन पे बैठे हुए हैं, तो लोकेशन पे जब बैठ जाते हैं, लोकेशन पे आ जाते हैं, तो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली सामने सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो कुछ ऐसे मैंने कंपनीज देखी जो ओपनिंग सेरेमनी लोकेशन पे इसलिए नहीं करते कि लोकेशन देख लेंगे, हमने तो अभी कुछ भी नहीं किया हुआ। तो मैं ये देख के बड़ा हैरान हुई कि इन्होंने अपनी सेल्स भी कर दिए, अभी ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई है। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शुएब साहब, 35% सेल हो चुके, 36% जो है इनका प्रोजेक्ट सेल हो चुका है, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। और अब मैं आप सबका बहुत वक्त नहीं लूँगी क्योंकि शुएब साहब ने काफ़ी सारा वक्त ले लिया है। मैं स्टेज पे दावा देना चाहूँगी, रॉयल कमर्शियल सेंटर की जो टीम है उनको मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। यहाँ पे सबसे पहले तो बड़ा किरदार होता है विजन का, लीडर का, क्योंकि अगर विजन क्लियर नहीं है तो लीडरशिप भी कुछ नहीं कर सकती, अगर लीडरशिप अच्छी नहीं है तो विजन भी फ्लॉप हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें बड़े अच्छे से बैलेंस्ड और मैनेज्ड हैं। और एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, जब मैंने रॉयल कमर्शियल सेंटर की जब ये मुझे ओरिएंटेशन दे रहे थे रिजवान साहब, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने प्रोजेक्ट्स जो स्टार्ट किए वो बड़े स्क्रैच से स्टार्ट किए थे। मतलब पहले ऐसा होता था कि देगे बना के हम बांट देते थे, और उससे आप देखें कि इस तरह से ग्रेजुअली ऊपर आना और इतने शॉर्ट टाइम में, 2015 से लेकर अभी तक कोई बहुत बड़ा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने ह्यूज प्रोजेक्ट्स मार्केट में डालना शुरू कर दिए। और आपने विजन भी देखा होगा इनका कि एक प्रोजेक्ट पे ये फोकस करते हैं, उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट पे करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये वाकई कोई झूठ नहीं है या कोई फ्रॉड या कोई ट्रिक नहीं है कि आपको जब ये आपको इसकी ओनरशिप दे देंगे उसके बाद आपको कारोबार भी बना के देंगे। और ये बहुत चीज़ मैटर करती है क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्ट कर लेना, उसके बाद सबसे बड़ा जो मसला होता है वो मैं इसलिए समझ सकती हूँ क्योंकि मेरा अपना जो ताल्लुक़ है वो रियल इस्टेट से बहुत गहरा है। तो उसमें जब तक आपको पैसा वसूल ना होना शुरू करे ना, तो आपके लिए वो टेंशन ही बनी रहती है, इन्वेस्टमेंट फंस गई, ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस है जो कि मार्केट में यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये जो ऑफ़र कर रहे हैं आपको कि फौरी कब्ज़ा और फौरी कारोबार, एक दफ़ा तो मैंने इनसे पूछा कि आप होश में हैं, इन्होंने कहा कि हमारी पूरी ग्रिप है इस जगह पे। तो ये बड़ी अच्छी बात है और ये बड़ी पॉजिटिव बात है। और अब मैं रॉयल कमर्शियल सेंटर के जो टीम है स्टार्ट करूँगी इनके लीडर्स से। सीईओ हैं चौधरी ज़हीर साहब, स्टेज पे दावा देना चाहूँगी आप सबकी भरपूर तालियों में। चौधरी ज़हीर साहब आपने कमाल कर दिया, चार चांद लगा दिए आपने। उसके बाद मैं स्टेज पे दावा देना चाहूँगी मैनेजिंग डायरेक्टर चौधरी रिजवान, बड़े ही हम्बल, बड़े ही पोलाइट और विजन रखने वाले शख्स, मुझे इनसे मिलके बड़ी ही खुशी हुई थी। उसके बाद मार्केटिंग मैनेजर चौधरी अदनान, मैं जल्दी जल्दी नाम लेती रहूँगी, आप लोग स्टेज पे आते जाएंगे। फाइनेंशियल अकाउंट मैनेजर चौधरी हाफिज मोहम्मद अरसलान, जनरल सेल्स मैनेजर शुएब हमीद मोहल, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर उमेर गफूर, चौधरी अरीफ, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स में चौधरी अरीफ, चौधरी माज, चौधरी इमरान, चौधरी नासिर, चौधरी वलीद, चौधरी अतीक, दिस साउंड्स चौधरी एंड कंपनी,
सिविल इंजीनियर मोहम्मद वकास साहब, और मार्केटिंग के बगैर कोई भी प्रोजेक्ट अधूरा होता है, उसकी विजिबिलिटी नहीं होती। तो मैं दावा देना चाहूंगी सोशल मीडिया मार्केटिंग से मोहम्मद फहीम, मोहम्मद जकरिया खावर, और ऑब्वियसली रियल एस्टेट हो और फिर एलपीज का जिक्र ना हो तो मैं बुलाना चाहूंगी लैंड प्रोवाइडर मिस्टर तौफीक खान साहब, आर्किटेक्चर अब्दुल रहमान कुरैशी फ्रॉम डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, लीगल एडवाइजर चौधरी नईम, ग्रुप पिक्चर हो गई है। मैं चाहूंगी कि सीईओ साहब चौधरी जहीर साहब और मैनेजिंग डायरेक्टर चौधरी रिजवान साहब यहीं पे रहें साथ ही, क्योंकि सितारों से आगे जहान और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अभी तो ओपनिंग सेरेमनी है, और बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को स्पेशली।